गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का मेरे वीडियो में स्वागत है तहे दिल से। चलो शुरू करती हूँ मजेदार सी रेसिपी। हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए कुछ ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो यूट्यूब पे आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा अभी तक। रेसिपी रोटी तो आप लोग बहुत बार खाए होंगे, बट मेरे तरीके से नहीं आप लोग रोटी। ये रेसिपी देख के ये कह ही नहीं सकते हो कि ये रोटी से बनी है या फिर आटे से या बेसन से या चावल के आटे से, ये बोल ही नहीं पाओगे। इतनी मस्त, इतनी करारी, बढ़िया क्रिस्पी, क्या बताएं। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो हम कुछ रोटी लेंगे, आप लोग कम ज़्यादा अपने तरीके से कर सकते हैं। तो हम इसकी पट्टी पट्टी काटेंगे, कटिंग करेंगे एक सीजर की मदद से। आप लोग नाइफ की मदद से कट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे नूडल्स होते हैं ना, वैसे एकदम कटिंग करेंगे छोटे छोटे पीसेस में। सेम इसी प्रोसेस, अगर आप लोगों को नूडल्स की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना, इतनी मस्त पड़ी है कि आप लोग बोलोगे वाओ वाओ, पहले क्यों नहीं बताया। आप लोग जो नूडल्स इतने महंगे जाके मार्केट में खाते हो, तो अपने घर पे बढ़िया रोटी से बनाइए और प्यारे से नूडल्स खाइए ढेर सारे, पेट भी भरेगा और मन भी खुश होगा। फ्रेंड्स देखिए मैंने कटिंग कर ली है बहुत अच्छे से, छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे पीसेस में। देखिए बहुत ज़्यादा हम पतले भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा चौड़े भी नहीं हैं, है ना फ्रेंड्स। सेम इसी प्रोसेस हम कट कर रहे हैं, जब तक तब तक आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक दोस्त के पास तो शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग मेरी प्यारी सी रेसिपी सीख पाएँ और मौके का फ़ायदा उठा पाएँ। जैसे सभी के घर पे रोटी तो होती ही है, चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा, सभी के घर पे होती है भाई। तो रोटी से ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो हम सारी रोटी कट कर लेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तहे दिल से, उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे सभी को बढ़िया अच्छी अच्छी न्यू रेसिपी सीखने को मिले रोटी से एक रोटी की मैं रेसिपी बताती रहती हूँ अपने वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स हम सीजर की मदद से कट कर लेंगे, सेम इसी प्रोसेस बढ़िया छोटे छोटे टुकड़े। भाई रोटी चाहे आप लोग पका के खाइए चाहे जैसे खाइए, रोटी की तो बहुत सारी रेसिपी होती हैं। कोई अलग से तामझाम नहीं करना है, अलग से कुछ नहीं करना है, बस रोटी लेना है, रेसिपी तैयार हो जाएगी बहुत अच्छी, कोई बता ही नहीं सकेगा ये रोटी है। अब इसी में हम फ्रेंड्स क्या लेंगे, इसी के साथ चावल। चावल तो भाई सभी के घर पे बनता है किचन में, है ना फ्रेंड्स, कोई अलग से मैं नहीं बताने वाली हूँ जो झंझट करना पड़े तामझाम। तो हम चावल लेंगे, वो भी कच्चे चावल नहीं है, देखिए पके हुए हैं चावल। अब चावल में वही अपनी क्या मिलाएंगे फ्रेंड्स, रोटी, वही जो कट की थी पट्टी पट्टी बढ़िया छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इसी में क्या ऐड करेंगे फ्रेंड्स, और देखिए आगे आगे आप लोग, बेसन। बेसन तो वैसे ही हेल्दी होता है, बेसन तो वैसे ही इतना हेल्दी होता है और इस रेसिपी में पड़ेगा ना तो चार चांद लग जाएंगे भाई। एक तो तीन सामग्री मैंने मिलाई है, देखी ना आपने, आप लोग देखिए तीन चीज़ें मिलाई है, बेसन हो गया और चावल हो गया और रोटी हो गई। तो एक यूनिक नाश्ता नहीं होगा, कुछ डिफरेंट सा, कुछ मस्त एकदम नया सा, चटपटा सा। अब फ्रेंड्स सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे स्पून की मदद से, मत मैश करिएगा पोटैटो मैशर से, मुझे हल्के से कड़ दिखने चाहिए जिससे बहुत टेस्टी लगे। अगर रोटी का आपके टीथ के पड़े पड़ेगी ना और चावल का थोड़ा सा क्रिस्पी सा होगा, है ना फ्रेंड्स, तो भाई एक यूनिक नाश्ता है। तो इसी बात पे आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट कर ज़रूर दीजिएगा, इससे मुझे पता चल जाता है कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। आप लोग मेरी रेसिपी पसंद कर रहे हो या फिर नहीं पसंद कर रहे हो,
तो ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम आगे देखिए फ्रेंड्स, इसी में क्या मिलाएंगे, बढ़िया नमक, अपने स्वाद के अनुसार मिलाइएगा जितना पसंद हो। कलर के लिए हम ऐड करेंगे बढ़िया हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी हींग मैं ऐड की थी, आप लोगों को नहीं दिखाए हैं क्योंकि कभी कभी मुझे लगता मैं शूट कर रही हूँ बट नहीं होता है, तो कभी कभी कैमरा थोड़ा जब टच करती हूँ ना तो हट जाती हैं चीज़ें। देखिए फ्रेंड्स, अब बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब ये बताइए, आप सभी के घर पे चावल होता है, रोटी होती है, बेसन भी होता है, तो आप लोग क्यों रेसिपी नहीं बनाते हो, ऐसे बनाइए। और इस समय तो वैसे गर्मी है ना, बढ़िया नई नई रेसिपी बनाइए, बढ़िया मज़े लीजिए। शाम को थोड़ा सा ठंडा समय होता है ना, तो बढ़िया छत पे जाके एंजॉय कीजिए। अब हम क्या करेंगे, आप लोग आगे देखिए, एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में तेल बढ़िया रख लिए हैं, डाले हैं, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, हीट हो गया है। अब इसी में देखिए अपनी तलेंगे पकौड़ी, है ना फ्रेंड्स। ये वो पकौड़ी नहीं है जो प्याज से बनाते हैं फ्रेंड्स, प्याज और बेसन से, ये एक यूनिक सा नाश्ता है, डिफरेंट सा नाश्ता है, तो आप लोग ज़रूर से ध्यान से देखिएगा, एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आप लोग भी बनाइएगा अपनी प्यारी सी बढ़िया, अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ जब इंजॉय करोगे ना, अगर कोई रिश्तेदार या कोई गेस्ट आ गए हैं तो आप लोग यह रेसिपी बना के दे सकते हो, कोई कह नहीं सकता, ये घर की सामानों से बनी हुई है, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। सारी सेम इसी प्रोसेस, गोल गोल बढ़िया बाउल्स की तरह बनाएंगे, एक शेप देंगे गोल आकार में। देखिए अब बहुत जल्दी टच मत करिएगा वरना ये फूट जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे। देखिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, एकदम मीडियम स्लो फ्लेम पे पकाइएगा, बहुत ज़्यादा हाई पे मत करिएगा वरना ये केर बहुत अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे ना, गोल्डन ब्राउन, एकदम करारा नाश्ता होगा, मस्त फ्रेंड्स। एक बार बनाओगे ना तो हफ्ते में 2-3 बार तो ज़रूर बनाओगे, मैं तो बनाती रहती हूँ, मुझे भाई बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं अपनी मामी के घर गई थी, मुझे यह रेसिपी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ यह रेसिपी शेयर करती हूँ, मुझे पसंद आई तो आप लोगों को क्यों नहीं पसंद आएगा। इतना मस्त नाश्ता है, इतना करारा मज़ेदार, मुंह में पानी आ जाएगा दोस्तों आप लोगों के, अगर बनाओगे देखते ही मुंह में पानी आएगा फ्रेंड्स, मेरे तो आने लगा है अभी से। तो हम बहुत अच्छे से निकाल लेंगे इसे बहुत अच्छे तरीके से, और सेम इसी प्रोसेस फिर से हम बनाएंगे। आप लोग कम ज़्यादा अपने तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से जैसा पसंद हो वैसा कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो फिर कुछ भी करिएगा। अब फ्रेंड्स हम सेम इसी प्रोसेस फिर से तलेंगे, एक एक करके बढ़िया गोल गोल बाउल्स की तरह। अब सेब कोई भी दे सकते हैं बढ़िया, कोई लंबा दे दीजिए, कोई छोटा दे दीजिए, उन्हें बॉल की तरह दे दीजिए, कोई सेब दे सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, आप लोग इसे ताए पे भी बना सकते हैं, इतना मस्त रोटी पिज्ज़ा बन के रेडी होगा, क्या बताएं। आप लोगों को अगर रोटी पिज्ज़ा की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना, इतनी मस्त पड़ी है पिज्ज़ा की रेसिपी। अब एक प्लेट में हम बढ़िया इसे प्लेटिंग करेंगे इसकी, एक एक करके बढ़िया, सच में बहुत अच्छा नाश्ता है। आप लोगों के घर पे कुछ भी नहीं है, मेहमान आ गए, गेस्ट आ गए, तो आप लोग इसे बनाइएगा और उनको खिलाइएगा, ढेर सारी तारीफ करेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया है। देख लेना बस, बना के एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर पसंद आ रहा है तो। देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, वाओ नाइस, कितना ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, एकदम बढ़िया मस्त, एक यूनिक सा नाश्ता, डिफरेंट है फ्रेंड्स, बनाइएगा ज़रूर। मैं पर्सनल आप लोगों से, मैं पर्सनल बोल रही हूँ, एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे कमेंट में बताइएगा कैसा बना था। कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत यमी है, बहुत सुपर है, डुपर है, टेस्टी है। हमेशा की तरह सिर्फ 3 चीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।